आगे जयपुर से ही बड़ी खबर, जहां एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह रणावत की बड़ी कार्रवाई हुई है। शातिर नकबजन गिरोह का यहां पर पर्दाफाश किया गया है। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से करीब 40 लाख रुपए के चांदी के आर्टिकल बरामद हुए हैं। 6 नवम्बर को इलाके में वारदात हुई थी। बदमाशों ने एक मकान में नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। करीब 52 किलो चांदी के आर्टिकल चुराकर बदमाश फरार हो गए थे और तभी से एसीपी सुरेंद्र सिंह रणावत बदमाशों के पीछे थे। और आज हिमाचल के मनाली में पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया है और पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह रणावत ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। जयपुर से सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह रणावत की कार्रवाई है, पूरी विस्तार से जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से कामयाबी मिली और गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई। देखिए, बड़ी घटना थी। एक व्यापारी था जिसने अपने कर्जा लेके उस धनतेरस को दिन बेचने के लिए चांदी का माल मंगवाया था और करीबन 52 किलो चांदी के आर्टिकल उसने तैयार करवाए थे कि हाँ, इस चांदी के आर्टिकल से मैं धनतेरस को अच्छा पैसा कमा लूंगा। लेकिन उससे पहले ही नकबजनों ने उसके घर पे नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया और मुखिया से फरार हो गए। करीबन 52 किलो चांदी के वो आर्टिकल के साथ ले गए थे। 40 लाख रुपए से अधिक तो चांदी थी। ऐसे में जब उसने रोते हुए पुलिस को बताया कि मेरा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है, तब जाकर एसीपी सुरेंद्र सिंह रणावत ने इसको एक्शन लिया और लगातार पीछे रखते हुए साइबर एक्सपर्ट की मदद करते लेते हुए मनाली, यानी कि हिमाचल के मनाली पहुंचे बदमाश, बदमाशों को दबोच लिया है। बदमाश 3 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से करीबन 40 लाख रुपए की जो चांदी है वो बरामद हो चुकी है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है इस वारदात के अंदर कौन कौन शामिल था। लेकिन कहीं ना कहीं धनतेरस के दिन एक बड़ी राहत दी है पुलिस ने उस व्यापारी को, जो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। अब वो व्यापारी खुश भी है, उसने पुलिस अधिकारियों का सम्मान भी किया, उनका आभार जताया कि धनतेरस के दिन आपने मेरी कुश्तियां उठाई। ऐसे में पुलिस को उसको राहत दी है। अब पुलिस कोशिश करेगी जो बाकी जो बदमाश है उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन सत्यनारायण, गिरोह में कितने लोग थे, कितने बदमाश थे, इसे लेकर कुछ आंकड़ा सामने आया क्या? क्योंकि 3 की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन इनके साथी थे कितने? देखिए, करीबन 6 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने वारदात के बाद में राहत चेंज कर ली थी। 6 व्यक्ति दूसरा में गए हैं, 6 व्यक्ति हिमाचल चले गए थे। इन 3 व्यक्ति को पकड़ लिया, इनके पास माल मिल गया, ये राहत की बात है। अब पुलिस कोशिश कर रही है 3 व्यक्ति जो बदमाश से दूर है उनको गिरफ्तार किया जा सके, जिससे कि पूरे गिरोह को खत्म किया जा सके और उन्होंने कौन कौन सी वारदातें जयपुर शहर में की है उनका भी खुलासा किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।